मित्रों, आज मुझे एक दिन याद आता है, इससे एक चौथाई पंडाल में 2014 के अंत में एक जनसभा हुई थी, जिसमें हमने आसाम के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूका था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं ही आया था। पंडाल इससे एक चौथाई था, संख्या इससे दसवें भाग की थी, और वो जनसभा थी। आज देखे ईश्वर की कृपा, कामाख्या की कृपा, आज 50,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मेरे नजर के सामने दिखाई पड़ा। कोई पार्टी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकती जितना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आसाम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आसाम की पूरी टीम को हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रभारी अध्यक्ष कलिता जी और बैजत पांडा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि मां कामाख्या की भूमि है। शंकर देव और माधव देव ने 5 साल पहले यहां से पूरे विश्व को भक्ति का संदेश दिया। ये भूमि महान गोपीनाथ जी की भूमि है। आज अगर आसाम भारत के साथ है तो इसका संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है, संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। ये भूमि भूपेन हजारिका की भूमि, जिसके मधुर कंठ ने पूरे उत्तर पूर्व को एक सांस्कृतिक ताने बाने से जोड़ कर रखा। भूपेंदा को जब मोदी जी ने भारत रत्न दिया, तब मोदी जी ने कहा था पूरे उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व के संगीत को भूपेंदा की आवाज ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। आज इसी महान भूमि पर भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा कार्यालय, जिस कार्यालय को देखकर मेरे जैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी, आसाम प्रदेश के अध्यक्ष जी को कह सकता हूं, दिल्ली प्रदेश से भी अच्छा कार्यालय कलिता और हेमंत विश्व शर्मा ने यहां पर बनाया है। एक परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन से नॉर्थ ईस्ट और भारत के अन्य हिस्सों पर जो दूरियां थी, वो दूरियां मिटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई मोदी जी ने। एक और तो विकास का एजेंडा हाथ में लिया, नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी ने खर्च किया। एक कांग्रेस पार्टी थी तब, नॉर्थ ईस्ट का पूरा ताना बाना बिखेरने का काम किया। सैकड़ों हथियारी ग्रुप बन चुके थे, जो हथियारी ग्रुप पूरे देश के खिलाफ काम करते। मोदी जी ने आने के बाद लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उन्होंने घोषणा की कि अष्ट लक्ष्मी के हर राज्य में एयरपोर्ट होगा, अष्ट लक्ष्मी के हर राज्य में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। और मित्रों, आज बोगी बिल का जो ब्रिज है वो देखने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कमाल हमारे आसाम के अंदर करने का काम किया मित्रों। और मोदी जी स्वयं आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे है जो प्रधानमंत्री रहने के बाद 40 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का मुकाम किए हैं। मित्रों, हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करता है और यहां पर विकास के कार्यक्रमों से
मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक धागे में बांधने का काम किया है। मित्रों, यहां पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे, अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे, और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आमलोग का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, त्रिपुरा का समझौता हुआ, ब्रू समस्या का समाधान हुआ, सीमाओं का विवाद भी सुलझाने का काम आगे बढ़ा, और जो आसाम कभी आतंकवाद आंदोलन गोलीबारी से जाना जाता था, वो आसाम आज रोजगारी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र पूर्वोत्तर को शांत करने का काम किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं ना, वो सुन ले, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश है। मित्रों, उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा बड़ा भूभाग हमारे उत्तर प्रदेश में, यहां पर जिस प्रकार की इंसर्जेंसी, जिस प्रकार का अलगाववाद हुआ था, मोदी जी ने कोई भाषण करे बगैर उसमें परिवर्तन लाया। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का, जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व में शांति और उत्तर पूर्व का विकास एक उदाहरण है कि भारत जोड़ने के लिए एक भी भाषण करे बगैर, कुछ और प्रयास करे बगैर कैसे भारत को जोड़ा जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। मित्रों, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर पूर्व की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगे को हर घर, हर दुकान, हर मकान आपने फहराया है, पूरा राष्ट्र आपको सलाम कर आपकी देशभक्ति का स्वागत करता है। जिस उत्तर पूर्व को भारत तोड़ने का एक अभियान बनाया था, आज मोदी जी ने अपने विकास और शांति के अभिगम से उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो का अभियान बना दिया है। मित्रों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखने के लिए इतिहासकार मजबूर हो जाएंगे।